दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, SA&ABC। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि मुर्गे के अंदर काफ़ी बेहतर निखार है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं सारे के सारे चिक्स। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दवाओं के रूप में अभी आज इनका 32वां दिन कंप्लीट हुआ है और 32 दिन में मुर्गे का जो बॉडी वेट है दोस्तों 1800 ग्राम प्लस का है। मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एस्ट्रो कैल्शियम और डेक्सारेंज देने के बाद में दोस्तों ये देखिए पैर कैसा है, बेहतर पैर है और फीड इंटेक तो लाजवाब हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भी फीडर में फीड नहीं बचता है, इतना बेहतरीन तरीके से फीडिंग करते हैं हमारे जो बर्ड हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों कि बर्ड में जब एक खिला खिला सा पन होता है ना तो समझ लीजिए कि मुर्गे में कोई बीमारी नहीं है और मुर्गा आपका अच्छे से है, इसका मतलब है। तो वही चीज़ है दोस्तों, इतनी मतलब ठंडक होने के बावजूद भी बर्ड में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और मुर्गा जो है हर दिन की फीडिंग अच्छे से कर रहा है दोस्तों और 100 ग्राम प्लस का वजन दे रहा है दोस्तों। तो अभी फिर से एक बार मैं इनको वेट करूंगा इनका। अभी के टाइम पे दोस्तों मैं इनको लीवर टॉनिक देता हूं, उसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स देता हूं। लीवर टॉनिक और बी कॉम्प्लेक्स दोनों साथ में चलता है और इनका जो है बीट दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, कहीं कहीं बीट आपको देखने को मिलेगी, एक नंबर की बीट भी है। तो सारा खेल होता है दोस्तों कि लास्ट टाइम पे आपका बीट नहीं ख़राब होना चाहिए। अगर आपके मुर्गे का बीट ख़राब होता है तो होगा ये कि जो भी आप खिलाएंगे वो आपका बेकार जाएगा और आपका जो मुर्गा है दोस्तों वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोग को सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि आप फीड के साथ में, यानी फीड के साथ में आपको बीट का विशेष रूप से ध्यान देना होता है जब आपके मुर्गे की एज अच्छी हो जाए, यानी 30 दिन प्लस का हो जाए। और कंटिन्यूसली दोस्तों जैसे कि अभी मैं चाहूँ तो इसमें जिप्रोमिन चला सकता हूँ, लेकिन हमारे मुर्गे का जो फीड इंटेक है दोस्तों वो काफ़ी बेहतर है, इसलिए मैं इसमें एक भी दिन अभी तक जिप्रोमिन नहीं चलाया है हमने और ना ही चलाएंगे। इनका जो ग्रोथ है दोस्तों वो अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं तो जिप्रोमिन चलाने की वैसे भी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इनको दोस्तों हमें करना ये होगा अब कि इनका केवल हमें बीट पे ध्यान देना होगा और साथ में लीवर टॉनिक को कंटिन्यूसली देते रहना है, क्योंकि लीवर टॉनिक जब मुर्गा अधिक फीडिंग करने लगता है दोस्तों तो लीवर टॉनिक की बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़ने लगती है। और वैसे भी दोस्तों आज जो मुर्गा का रेट है वो हमारे यहाँ का जो रेट है दोस्तों श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर क्षेत्र का, ये 89 रुपया पर केजी हो चुका है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा है रेट और यही रेट दोस्तों मतलब हर जगह पे लगभग राजस्थान हो, असम हो, केरल वगैरह में दोस्तों तो काफ़ी बेहतर रेट है, 110 प्लस का रेट है। हमारे यहाँ पे अभी जो रेट का इशू चल रहा था उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रहा है, 89 पहुँच चुका है रेट। और पिछले मैं 3-4 दिनों से यही देख रहा हूँ दोस्तों कि 85 दो दिन रहा है, 85 पिछले दिनों में 85 रहा है, इसके बाद डायरेक्टली आज उछाल आया और 89 हुआ है। तो हो सकता है कि मुर्गे का रेट और भी ऊपर जाए जब तक हमारा चूजा इसको, दोस्तों आप लोग को एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि 40 दिन आप रोकिए, 40 दिन के बीच में अगर आपको ऐसा सफिशियंट रेट मिल जाए, यानी कि हाँ अब हम बेच लेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा, तो उसको आप बेच भी सकते हो, 40 दिन से पहले बेच सकते हो। वैसे दोस्तों मेरा तो मानना यह होता है कि मुर्गे को 40 दिन रोका जाए, 40 दिन रोकने के बाद में ही बेचा जाए, तो उससे क्या होगा कि अगर मुर्गा अच्छे से फीडिंग कर रहा है और अच्छे से ग्रोथ भी ले रहा है,
साथ में फीडिंग हो रही है और साथ में ग्रोथ ले रहा है, तो उसको आप 40 दिन रोकिए। वहाँ पे होगा क्या कि आपके मुर्गे का जो साइज है वो बढ़ेगा। अब वैसे भी आप आइडिया लगाइए दोस्तों कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका मुर्गा 100 ग्राम फीड पर डे का, सॉरी 170 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में आपका मुर्गा फीड इंटेक कर रहा है और ग्रोथ जो दे रहा है वो 100 ग्राम का दे रहा है, तो आपका नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 150 ग्राम फीड का जो मूल्य होगा दोस्तों, अगर 30 रुपये में पड़ सॉरी 42 रुपये में पड़ रहा है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 7 से 8 रुपये के बीच में आपका फीड खाएगा और आपको वजन जो देके जाएगा 10 रुपये का वजन देके जाएगा, 9 रुपये का वजन देके जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सही है दोस्तों। और रेट में अगर अच्छा खासा उछाल आ रहा हो तो आप लोग को यही ध्यान देना होता है कि भाई हमें मुर्गे को अच्छी तरह से फीडिंग करवा के ग्रोथ करवाना है, इसके बाद में उसको समय रहते बेच देना है ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो मुर्गे में सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत लास्ट टाइम पे भी होती है। वैसे तो मुर्गे का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक जिस दिन डालते हो उस दिन से लेके जब तक आप बेच ना दो तब तक ध्यान देने की ज़रूरत होती है, चाहे मैनेजमेंट की ज़रूरत हो, चाहे रेट की ज़रूरत हो, यानी सारी चीज़ों का। यानी अभी मान के चलिए कि जैसे आपने रेट, अगर रेट को भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारा मुर्गा अगर बिकने लायक हो गया तो रेट भी अच्छा आना चाहिए, तो उसको भी केयर में रखिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका मन हुआ कि अब हमें मुर्गा बेचना है उस दिन आप ध्यान देंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस दिन पता नहीं कौन सा रेट हो। बीच में रेट को कंटिन्यूसली पता करते रहिए, जिस दिन भी आपको ऐसा सफिशियंट रेट लगे उस दिन बेच डालिए अगर वजन है तो। दोस्तों अभी रेट अच्छा है, अगर जिस भाई के पास मुर्गा हो तो उसकी तैयारी 82 तक आती होगी, 80-82 के बीच में तैयारी आएगी तो अपना मुर्गा बेच सकते हैं, क्योंकि 89 का रेट है। और हर जगह का रेट मैं बता सकता हूं दोस्तों, आपको पूरे हिंदुस्तान का रेट बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पर विजिट करना होगा जो कि पोल्ट्री कोचिंग के नाम से है। तो उस पर अगर आप जाएंगे तो बहुत जल्द, अभी जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है उस पर मैं हर दिन का रेट डालना शुरू कर दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। रेट अच्छा है दोस्तों, मुर्गे को देखना नहीं है, अभी आप बेच भी सकते हो।